हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 17 अगस्त की क्लास। टाइटल है अननेसेसरी ब्रेक। नेसेसरी ब्रेक में नेसेसरी जो शब्द है वो तो एडजेक्टिव है और ब्रेक है वो नाउन है, ए डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद जब दो शब्द होते हैं तो दूसरा शब्द नाउन होता है और पहला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नेसेसरी ब्रेक का मतलब है एक आवश्यक विराम है ना, ब्रेक लगा है और ज़रूरी भी था ये ब्रेक लगना, ये इसका मतलब है। किस बात को लेकर लिखा गया है, ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स का मतलब क्या है, ऑल्टर का मतलब लिख लो, वैसे तो पता ही होगा आपको। ऑल्टर जो शब्द है ये एक क्रिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चेंज करना, बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, मॉडिफाई करना, है ना, बदलना। तो बदला हुआ, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। वेदर पैटर्न्स जो हैं वो कंपाउंड नाउन है, वेदर भी नाउन है, पैटर्न भी नाउन है। तो वेदर पैटर्न्स की एडजेक्टिव मतलब मॉडिफायर जो है वो ऑल्टर्ड है। तो कैसा वेदर पैटर्न्स है, बदला हुआ वेदर पैटर्न्स है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आधारभूत जो विकास है, आधारभूत ढांचों का जो विकास है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसका मुख्य विषय, इसकी थीम जो एडिटोरियल की है वो थीम क्या है, बदला हुआ मौसम का पैटर्न, मतलब आजकल जो पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं मौसम के वो, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इसका विषय है। आगे क्या कह रखा है, आगे कह रखा है कि हैफेजर्ड, इसको हैफेजर्ड, हैफेजर्ड नहीं है, हैफेजर्ड लिख लीजिएगा, HAPHAZARD, हैफेजर्ड। हैफेजर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर्ड, मतलब अव्यवस्थित, कैओटिक, डिसऑर्डर्ड, या आप इसे कहेंगे कैओटिक, अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। जो हैफेजर्ड डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो हैफेजर्ड है, मतलब हैफेजर्ड एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट नाउन है, ऐसा विकास जो अव्यवस्थित विकास है, अस्त व्यस्त विकास है, इज इंक्रीजिंग द इंपैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स, वो बढ़ा रहा है। ये हैफेजर्ड डेवलपमेंट है, इसकी वर्ब इज इंक्रीजिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बढ़ा रहा है किसको, इंपैक्ट को। इंपैक्ट है प्रभाव, नाउन है क्योंकि द के बाद दे रखा है, ओ प्रेपोजिशन है, आगे इसका ऑब्जेक्ट। तो जो वेदर इवेंट्स हैं, जो मौसम की घटनाएं हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा रहा है कौन, वो विकास जो कि अस्त व्यस्त तरीके से हो रहा है। तो अस्त व्यस्त तरीके से हो रहा विकास वेदर इवेंट्स के इंपैक्ट को इंक्रीज कर रहा है, ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। इससे पहले बता दूं आपको कि इसका PDF आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है। आशीष क्लासेस चैनल का नाम है, एक आशीष क्लासेस क्विज के नाम से चैनल है, वहां पर, ये टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूं, वहां पर आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा चैनल है आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, उसके ऊपर आप छोटे छोटे वीडियोज प्राप्त करेंगे लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल वीडियोज वहां पर आपको मिलते हैं। ये सेशन आपको एंड तक देखना है, और कल मैंने जो कल एडिटोरियल पढ़ाया था उसका प्रेसी लिखकर आपको प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम पर। कल जो एडिटोरियल पढ़ाया गया था उसका प्रेसी आपको दे रखा था टेलीग्राम चैनल पर, मैंने लिख कर दिया था कि इसको आप अगर खुद की भाषा में लिखें और थोड़ा संक्षेप में लिखें तो कैसे लिख सकते हो, वो आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी आपको प्रेसी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आशीष क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगा। मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूँ कि पर डे ये प्रेसी उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा ये प्रेसी राइटिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी, ताकि जिन एग्जाम्स में प्रेसी राइटिंग आती है उनके लिए भी फ्रूटफुल है, और जहां इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की बात है वहां पर भी आपको बहुत ही हेल्प करेगी। और ऐसे ही आपको भी लिखनी चाहिए, इस तरह से प्रयास आपको करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं विस्तार से एडिटोरियल को, क्या कह रहा है देखो। बींग एन अलनिनो ईयर, ये जो साल है ये अलनिनो ईयर है। अलनिनो एक प्रभाव होता है, एक मॉनसून का वो इफेक्ट, जहां पे ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल पैसिफिक जो ओशियन है उसके अंदर मतलब जो सरफेस है, जो वाटर्स का सरफेस है, समुद्र का सरफेस है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है ना, उसको बोलते हैं अलनिनो। तो अलनिनो साल है ये, अलनिनो का साल है, इसके होने के कारण द एक्सपेक्टेशन वॉज दैट, चूंकि जब भविष्यवाणी ये कर दें कि इस बार अलनिनो का प्रभाव रहेगा, तो एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्सपेक्टेशन की वर्ब वॉज है, एक्सपेक्टेशन ये थी कि, दैट कंजंक्शन है कि नॉर्थ इंडिया वुड सी एस पास मानसून, कि उत्तरी भारत जो है वहाँ पे मानसून कैसा रहेगा, स्पार्स रहेगा। स्पार्स क्या है, SPARSE, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्कैंटी रहेगा,
स्कैंटी रहेगा, मतलब अल्प रहेगा, कम रहेगा, स्केयर्स रहेगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कह रहा है बीइंग एन अलनीनो ईयर, चूंकि ये जो वर्ष था उसमें भविष्यवाणी की गई थी कि अलनीनो का प्रभाव रहने वाला है, इस कारण जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन में द डिटरमिनर है, एक्सपेक्टेशन नाउन है, इसकी वर्ब वाज है, वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि दैट कंजंक्शन है क्या, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई वुड सी। अब वुड इसलिए लगाया है कि इमेजिनेशन है, कल्पना कर रहे हो आप, है ना, तो नॉर्थ इंडिया जो है वो देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा ऐसा मॉनसून जहां पर बारिश कम होगी, ऐसा अनुमान था पहले क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। However, हालांकि द पेंडुलम हैज स्वंग द अदर्स वे, ये स्वंग जो होता है वो स्विंग की थर्ड फॉर्म दे रखी है, स्विंग SWING, इसकी थर्ड फॉर्म दे रखी है स्वंग। इसका मतलब क्या है, स्वंग का मतलब झूलना होता है, स्विंग का मतलब झूला होता है। पेंडुलम देखा होगा घड़ी में आपने, पेंडुलम जो होता है वो इधर और इस साइड ऐसे मूव करता रहता है, तो पेंडुलम जाना था इस साइड चला गया, इस साइड मतलब स्थिति बिल्कुल विपरीत मिली है, बिल्कुल एकदम असर उल्टा दिखा है, ये इसका मतलब है। तो क्या कहना चाह रहा है, हालांकि हावेवर, ये कब जोड़ते हैं, जब भी आपको विरोधाभासी बातें करनी होती हैं, जब भी आपको ऐसी बातें करनी होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो आपने अभी बात की है उसके बिल्कुल विपरीत है, तब हम हावेवर का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो पेंडुलम जो है वो दूसरे साइड चला गया, मतलब कहें कि स्थितियां बिल्कुल उल्टा हो गई, यहां पे तो बारिश बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। क्या कैसे, जुलाई सो, जुलाई की वर्ब सो है, सी की सेकेंड फॉर्म, जुलाई ने देखा रिकॉर्ड रेनफॉल, मतलब बहुत ही भारी बारिश, रिकॉर्ड स्तर की बारिश देखी इन मैनी पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड एंड द रेयर साइट ऑफ द यमुना, और कह रहा है कि कहां कहां देखी, इन मैनी पार्ट्स, बहुत सारे हिस्सों में, हिस्से किसके, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के और उत्तराखंड के, और कह रहा है जो रेयर साइट, मतलब बहुत ही दुर्लभ सा दृश्य था, साइट का मतलब क्या है, दृश्य है। अब साइट की जगह पे साइट और भी होते हैं, देखो एक होता है SCITE, ये होता है कहना, मेंशन करना, एक होता है SITE, ये होता है कोई भी जगह, और ये होता है साइट, ये होता है दृश्य। भाई ये जो साइट है SIGHT, ये तो विजन, ये साइट है, ये प्लेस के लिए आता है, और ये जिक्र करने के लिए, कहने के लिए आता है, मेंशन करने के लिए आता है, ये तीनों में डिफरेंस है। तो ये कह रहा है कि बहुत ही रेयर साइट देखी, साइट नाउन है, रेयर एडजेक्टिव है, बहुत ही दुर्लभ सा दृश्य देखा, किस चीज़ का, कि यमुना, यमुना नदी का नाम है, और नदियों के नाम से पहले हम दय लगाते हैं, तो यहाँ दय यमुना है, कि नदी जो है, ये यमुना नाम की नदी जो है, नियरली, लगभग, स्पिलिंग इनटू, स्पिल का मतलब क्या है, स्पिल, स्पिल जो होता है वो छलकना होता है, स्पिल वर्ब है, स्पिल का मतलब होता है छलकना, तो इसको आप फ्लड भी कह सकते हो, इसको आप पोर भी कह सकते हो, इसको अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में आना भी कह सकते हो। तो बारिश का पानी इतना आया, इतना मतलब नदी का स्तर इस हिसाब से स्तर बना कि ये जो है रेड फोर्ट तक पहुंच गई। रेड फोर्ट जो है वो किले का नाम है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम है, ऐतिहासिक स्मारक का नाम है, इसलिए दय का प्रयोग है। ये छोटी छोटी बातें आपने स्कूल में पढ़ी होंगी जरूर से, कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले दय लगता है, वही दे रखा है। समझ में आ रही है बात, रिपीट कर रहा हूँ, जुलाई ने देखा रिकॉर्ड स्तर की बारिश हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बहुत सारे हिस्सों में, और एक दुर्लभ सा दृश्य देखने को मिला कि यमुना नदी जो है वो लगभग रेड फोर्ट तक पहुंच गई थी दिल्ली में। समझ में आ रही है बात, आगे देखिए एट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है एट लीस्ट, मतलब कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम, 150 जो है वो मर गए थे, 150 लोग मर गए, एंड लॉसेज वर्थ 10,000 करोड़ वर रिपोर्टेड, और नुकसान कितने रुपए का, वर्थ तब लगता है जब हमें बताना हो इस मूल्य का नुकसान, तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान, वर लॉसेज की वर है, वर रिपोर्टेड, इस तरह की रिपोर्ट दी गई किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश अलोन, मतलब अकेले हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को जोड़ोगे तो ना जाने कितने लोग मरे हैं और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट 150 वर किल्ड, 150 की वर्ब है वर किल्ड, चूंकि पैसिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नदी के जो उफान है या फिर कहें कि भारी बारिश हो उसके कारण लोग मरे हैं, तो चूंकि यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है, जब काम करने वाला डूअर नहीं होता है मैन वर्ब से पहले तो उसे हम पैसिव बोलते हैं, तो ये पैसिव है वर किल्ड। तो कम से कम 150 लोग मारे गए और इतना नुकसान हुआ, कितना, 10,000 करोड़ रुपए का, इतना रिपोर्ट किया गया नुकसान किसके द्वारा, अकेले हिमाचल प्रदेश के द्वारा। द वर्स्ट, वर्स्ट होता है डिग्री सुपरलेटिव, किसकी, बैड की, बैड होती है डिग्री पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव बनती है वर्स, और डिग्री सुपरलेटिव बनती है वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। सबसे खराब चीज क्या हुई, इससे भी ज्यादा बदतर, सबसे ज्यादा बदतर क्या हुआ, हावेवर, हालांकि, वॉज येट टू कम, वो अभी आना बाकी था,
यट टू लगाते हो ऐसा मतलब है कि ऐसा होना शेष है, अभी भी ये काम होना शेष है। वर्स्ट की वर्ब वॉज है। आप सोचेंगे कि वर्स्ट तो डिग्री सुपरलेटिव बता रहे हो आप, और डिग्री सुपरलेटिव होती है एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। ये तो खैर आपने जैसे वर्स्ट दे रखा है वो एडजेक्टिव की मान लो, एडवर्ब की मान लो। यहाँ पे एक्चुअल में ये डिग्री बना के होना तो चाहिए था एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव है नहीं। ये कह रहा है सबसे बुरा घटना, ये एक प्रकार के नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए तो सब्जेक्ट बन रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव होता, एडवर्ब होता तो सब्जेक्ट नहीं बनता। याद रखो हमेशा सब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन या प्रोनाउन का होता है। ये प्रोनाउन तो है नहीं, इसको नाउन कह दीजिए, फिलहाल ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो सबसे बुरा जो था वो अभी भी आना बाकी था, एज, क्योंकि एज यहाँ कंजंक्शन है, याद रखिए। व्हेनेवर एज इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, जब जब एज का प्रयोग आप करते हैं किस रूप में, कंजंक्शन के रूप में, तब तब एज का मतलब होता है दोस्तों बिकॉज। जब आप एज का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में तो एज का मतलब क्या होता है, बिकॉज, ठीक है। कारण क्या था, कारण ये था कि वीक वॉज मल्टीपल, द वीक वॉज मल्टीपल फ्लड्स, मतलब वीक ने 100, इस सप्ताह ने, वो सप्ताह जो था उसने देखा मल्टीपल फ्लड्स, मतलब कई बाढ़ देखी, मल्टीपल मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स बाढ़ इन हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, दैट हैव क्लेम्ड एट लीस्ट, दैट किसके लिए आ रहा है, इन फ्लड्स के लिए आ रहा है। इन फ्लड्स ने क्या किया, इतनी जिंदगियां ले ली, क्लेम लाइफ का मतलब होता है जिंदगियां इतनी चली गई, इतने लोगों को मार दिया है। इन बाढ़ ने कम से कम इतनी जिंदगियां ले ली, मतलब 60 लोग मर गए सिंस संडे, संडे से लेकर अब तक की कहानी है ये, फिर समझिए। सबसे बुरा जो दौर था वो अभी आना बाकी था, क्योंकि इस सप्ताह ने मल्टीपल फ्लड्स देखी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, फ्लड्स के लिए आया है, जिसने कि कम से कम 60 जिंदगियां ली हैं, कब से, संडे से। एक काम की बात, सिंस या फोर के साथ जब टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, याद रखिए इस बात को। जब जब तुम देखते हो सिंस या फोर के साथ टाइम, तब तब याद रखो आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना चाहिए। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है कि या तो परफेक्ट लगेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर, संदर्भ पर। तो यहाँ आपने देखा कि परफेक्ट लग रखा है, ये आपको देखो हैज हैव क्लेम्ड दे रखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रखा है, इसका कारण ये है सिंस संडे। दूसरा, ये जो द वीक है, ये कौन से वीक की बात कर रहा है, ये निश्चित कैसे हो गया, तो यहाँ पे इसने इस संडे से थोड़ा निश्चित करने की कोशिश करी है कि संडे से, अभी जैसे ये जो हुआ, जैसे जुलाई की बात जैसे कर रहे थे, जुलाई में ऐसे ऐसे देखा गया है ना, फिर इतने लोग मारे गए, फिर वर्स्ट आना बाकी था क्योंकि वीक ने देखा। हालांकि यहाँ वीक की कोई पहचान नहीं दे रखी है, लेकिन हम संडे से यहाँ से काउंट करना शुरू करें तब इसका बता रखा है, तो कुछ वैसे तो दे लगना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको बताना चाहिए था या तो कि सप्ताह, मतलब इस महीने का ये वाला वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, लास्ट वीक, ऐसे करके कुछ होना चाहिए था, दे नहीं रखा, लेकिन ठीक है संडे से दे रखा है, इसलिए इसको डेफिनेट मान लिया गया। अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन, जमीन का खिसकना। सीरीज मतलब श्रृंखला, याद रखो सीरीज जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, सीरीज ही सिंगुलर होती है और सीरीज ही क्या होती है, प्लूरल। तो अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स, जो जमीन खिसकने की जो श्रृंखलाएं हैं, मतलब काफी घटनाएं घटी हैं लैंडस्लाइड्स की, ये सीरीज की वर्ब आ रही है हैज क्रम्बल्ड, इसने क्या किया, इस सीरीज ने क्रम्बल कर दिया। क्रम्बल का मतलब क्या होता है, फॉल डाउन, गिरना, या होता है कॉलेप्स होना, धराशायी करना, है ना, या फॉल अपार्ट, फॉल इनटू पीसेज, है ना, ब्रेक इनटू पीसेज, ऐसे। तो इस सीरीज ने क्या किया है, इसने काफी बिल्डिंग्स को ढहा दिया, ठीक है। इस सीरीज की वर्ब हैज क्रम्बल्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, इसने काफी बिल्डिंग्स को ढहा दिया। एंड ब्लॉक्ड हाईवेज, और देखो हैज इसने रिपीट नहीं किया है, वरना है तो यही कि हैज क्रम्बल्ड एंड हैज ब्लॉक्ड, ठीक है। वैसे हैज एक बार ही पर्याप्त है, इसलिए हैज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और इसने काफी जो हाईवेज हैं उनको ही ब्लॉक कर दिया है। द इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का आप देखो स्पेलिंग क्या दे रखी है आपको, एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन की स्पेलिंग होती है ई एक्स पी एल ए आई एन, और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई ओ एन। ये दोनों स्पेलिंग में फर्क देखना, एक्सप्लेन में आई आता है लेकिन एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता है, ठीक है। तो द इमीडिएट एक्सप्लेनेशन मतलब तत्कालिक, इमीडिएट एडजेक्टिव है, एक्सप्लेनेशन नाउन है, ये नाउन इसलिए भी है क्योंकि टी आई ओ एन से एंड हो रहा है। तो जो तत्कालिक एक्सप्लेनेशन है, हाल फिलहाल जो व्याख्या है किस चीज की, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, किस चीज की व्याख्या, तो इमीडिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द लैंडस्लाइड्स,
कि ये जो लैंडस्लाइड्स क्यों हुई, ये भूस्खलन क्यों हुआ, जमीन क्यों खिसकी, इसका एक्सप्लेनेशन इज वो ये है द अनएक्सपेक्टेडली कॉपियस रेनफॉल। कॉपियस का मतलब लिखो अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में, बहुतायत में, प्लेंटीफुल, है ना। तो इसका कारण ये है कि रेनफॉल, रेनफॉल नाउन है, कॉपियस एडजेक्टिव है और अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब है कि इतनी तो आशा ही नहीं थी, इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उतनी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई है, ये कारण है इसका। दैट दीज स्टेट्स, इतनी बारिश हुई कि ये जो स्टेट्स हैं, ये जो राज्य हैं, इन दीज स्टेट्स की वर्ब है हैव रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव किया। एंड दैट मतलब ये दैट यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, ये दैट आ रहा है इस रेनफॉल के लिए, ये वो रेनफॉल जो कि इन राज्यों ने रिसीव की है। एंड दैट दीज इन टर्न आर ड्यू टू अ सरफीट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, और बदले में दे इन टर्न मतलब बदले में, दीज की वर्ब है आर, ये इस कारण से भी हुए हैं। किस कारण से? सरफीट, सरफीट का मतलब होता है सरप्लस, आवश्यकता से अधिक, इसको अतिरेक बोलते हैं हिंदी में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का मतलब पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हुआ है। तो कह रहा है कि तत्कालिक जो व्याख्या है कि ये लैंडस्लाइड्स क्यों हुई है, उसका कारण ये है कि इन राज्यों ने बहुत बड़ी मात्रा में, जितनी आशा नहीं थी उतनी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ रिसीव की है, और बदले में इन टर्न बदले में ये जो हैं दीज, जो हैं दीज यहाँ पे इसकी बात कर रहा है लैंडस्लाइड्स की, आर वो इस कारण से हैं क्योंकि यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का क्या रहा, सरफीट। ये दीज रेनफॉल के लिए मान लो, है ना, ये जो हो रहा है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ये किस कारण से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है भाई, दीज स्टेट्स में दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं अगर इनके बाद में नाउन दे रखा होता है। अगर इनके बाद में नाउन नहीं दे रखा होता है तो इन्हें हम एडजेक्टिव ना कह के प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दीज आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, दीज की वर्ब है आर। अब देखो दीज के बाद नाउन नहीं है तो इसे आप क्या बोलोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल के लिए आता है, ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, दैट दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इन तूफानों के लिए आ रहा है। ये वो तूफान है जो ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन मतलब इनका उद्गम होता है, ये निकलते कहाँ से हैं, इन द मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से, एंड नॉर्मली और सामान्यतया ब्रिंग विंटर रेनफॉल, ये क्या करती हैं, सर्दियों में बारिश करवाती हैं। ठीक है, टू नॉर्थ इंडिया, कहाँ पर, उत्तरी भारत में। ठीक, कह रहा है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय तूफान ही हैं, उष्णकटिबंधीय तूफान क्या करते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से निकलते हैं और सामान्यतया बारिश लेके आते हैं। तो ये देखो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वर्ब ही तो ओरिजिनेट है, इन्हीं की वर्ब ब्रिंग है, ये सर्दियों की बारिश करवाती है उत्तरी भारत में। हाउएवर, हालांकि, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, एक बात काम की समझा देता हूँ यहाँ पे, तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक तो बिगिनिंग, एक तो किसी भी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग, एक किसी भी चीज़ का मिडल और एक किसी भी चीज़ का एंड, इन तीनों से पहले द लगता है, द बिगिनिंग होता है, द मिडल होता है, द एंड होता है। याद रखो इन तीनों से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द बिगिनिंग होता है, द मिडल होता है, द एंड होता है, बहुत काम की बात है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन जब ये साथ में लगते हैं ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो द नहीं आता है, जब ये साथ में यूज किए जाएंगे तो द नहीं आएगा, ये भी काम की बात है। क्या कह रहा है, हावेवर, हालांकि, अब ये हावेवर कब लगता है, बताया था मैंने, जितनी बातें आपने कर ली है उससे विपरीत थोड़ा सा रुख करोगे वहां पे हावेवर आएगा। हालांकि शुरुआत से ही, इस साल के शुरुआत से ही, है ना, WD ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, मतलब जो क्या कह सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ हैं। अब WD की वर्ब है हैव, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, हैव बीन इरेटिक, ये अनियमित रहे हैं, इरेटिक का मतलब है वेरिएबल रहे हैं, मतलब रेगुलर नहीं रहे हैं, वेरिएबल, चेंजिंग, लगातार चेंज हुए हैं, है ना, इनमें कोई नियमितता नहीं रही है। फिर कह रहा है देयर वर टू फ्यू ऑफ देम इन दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर और जनवरी में तो बहुत कम आए थे तूफान, है ना, पश्चिमी विक्षोभ बहुत कम रहा था, तो ये टू फ्यू ऑफ देम, देम आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के लिए, उनमें से बहुत ही कम, वर आ रही है इसकी वर्ब, देयर से स्टार्ट है, तो देयर से स्टार्ट होने पर क्रिया पहले आती है, कर्ता बाद में आता है। ठीक है, तो कह रहा है बहुत कम रहे हैं दिसंबर जनवरी में, एंड देयर एब्सेंस, और उनकी जो कमी थी, वॉज कोज, वो कारण था, पश्चिमी विक्षोभों की कमी जो है, वो एब्सेंस जो है वो कारण था, किसका, कोज के साथ में फोर लगा रखा है, वैसे कोज में लगता है ओव, कोज में ओव भी लगता है, फोर भी लगता है, रीजन के साथ फोर लगता है, रीजन में ओव नहीं लगता है।
ठीक है। क्या कारण था? कारण था हॉटेस्ट फरवरी, कि गर्मी जो है फरवरी में सबसे ज्यादा रही, मतलब फरवरी सबसे गर्म रहा रिकॉर्डेड इन इंडिया इन एटलीस्ट अ सेंचुरी, मतलब एक शताब्दी में 100 सालों में इतनी गर्म फरवरी कभी नहीं रही, इस बार सबसे गर्म रही। कारण क्या था? कारण था दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ जो है बहुत ही कम आए थे इस कारण से, ठीक है। हाउएवर हालांकि द डब्ल्यू डी अपीयर, अब देखो आप देख रहे हो कि ये प्लूरल वर्ब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू डी का मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, डिस्टर्बेंसेज प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ है टू बी ओवर कंपनसेटिंग, ओवर कंपनसेट का मतलब क्या हो गया? भरपाई करना, ठीक है, कंपनसेट भरपाई करना। ओवर कंपनसेट का मतलब जितनी भरपाई होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा भरपाई करना। हालांकि ऐसा लगता है, अपीयर मतलब ऐसा लगता है, याद रखना अपीयर का मतलब जब लगना हो प्रतीत होना हो तो इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की भरपाई ज़्यादा कर दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भरपाई कर दी है। विद सेवरल ऑफ डैम, इनमें से अनेकों, डैम आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के लिए, इनमें से अनेक, सेवरल, सेवरल अनेक इंसिडेंट ओवर द नॉर्थ इंडिया इन द लास्ट टू मंथ्स। अब कह रहा है कि उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी भारत में ये कह रहा है विद सेवरल ऑफ डैम इंसिडेंट ओवर नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, ओवर का मतलब यहां पे मान लो पूरे उत्तरी भारत में अनेकों पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं घटी हैं, ठीक है, अनेकों घटी हैं इन द लास्ट टू मंथ, दो महीनों में। समझ में आ रही है बात? मतलब जनवरी फरवरी में ये आए ही नहीं, बहुत ही कम आए, इनके एब्सेंस रही, अब ये ज़्यादा आ रहे हैं, तो दो महीनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी घटनाएं घटी हैं। अ टाइम, ये टाइम कौन सा? टू मंथ्स वाला, इस टाइम के लिए ये एक ऐसा टाइम है व्हेन दे नॉर्मली शुड नॉट बी, जब, जब आ रहा है किसके लिए? इस टाइम के लिए। ये टाइम वो वाला टाइम है जब इनको दे आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ के लिए। इसकी वर्ब है शुड नॉट बी, है ना, नॉर्मली एडवर्ब है, कि ये वो टाइम होता है दो महीनों वाला जिसमें कि पश्चिमी विक्षोभों को नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अराउंड, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, इस समय तो पश्चिमी विक्षोभ आने ही नहीं चाहिए, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा चले हैं। वाइल ए कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू डी, अब कह रहा है यद्यपि, वाइल है वो कंजंक्शन है, दो क्लोजेज को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, मतलब विपरीत वाक्यों को जोड़ेगा। तो यद्यपि एक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मिला जुला रूप किसका? डब्ल्यू डी और मॉनसून का। एक तरफ तो मॉनसून आ रहा था, दूसरी तरफ पश्चिम विक्षोभ थे, इनका जो कॉम्बिनेशन है कैन नॉट बी डिसमिस्ड, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। कॉम्बिनेशन की वर्ब है, ये कॉम्बिनेशन नाउन है, नाउन क्यों है? क्योंकि ए डिटर्मिनर के बाद है, दूसरी बात टी आई ओ एन लास्ट में भी है, इसलिए नाउन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन रहा डब्ल्यू डी का और मॉनसून का, इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। किस रूप में? फ्रीक वेदर, फ्रीक का मतलब बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही पैक्यूलियर, बहुत ही ओड, एकदम अजीब प्रकार का जो ये मौसम है ना, इसके कारण यहाँ पे ये है कि पश्चिमी विक्षोभ भी खूब आए हैं और मॉनसून भी है, इस कारण से ये ऐसा हुआ है। क्लाइमेट साइंटिस्ट, जो जलवायु वैज्ञानिक हैं, हैव बीन वार्निंग, ये वार्न कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं। वार्न के साथ देखो, या तो ओव लगेगा या अगेंस्ट लगेगा। वार्न अपने बाद में या तो लेता है ओव या लेता है अगेंस्ट। अब ये चेतावनी किसकी दे रहे हैं? इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, बढ़ती हुई संभावना की चेतावनी है। संभावना किसकी? ऑफ सच हाई रिस्क इवेंट, कि इस प्रकार के जो बहुत ज़्यादा खतरे वाली घटनाएं घटेंगी, इस प्रकार की संभावनाओं के बारे में वो चेता रहे हैं। फिर समझ लीजिए, कह रहा है क्लाइमेट साइंटिस्ट, अब देखो वाइल से स्टार्ट किया, एक तरफ आपने देखा कि ये जो कॉम्बिनेशन रहा पश्चिमी विक्षोभों का और मॉनसून का, इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता फ्रीक वेदर के कारण, कि अजीबोगरीब मौसम इन दोनों के कारण है। फिर भी वैज्ञानिक लोग चेता रहे हैं, किस बारे में? इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव आईएनजी रूप लेकर आता है तो इसे आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि बढ़ती हुए संभावनाओं के बारे में। किस चीज़ की संभावना? सच हाई रिस्क इवेंट्स, सच के बाद में, याद रखो सच अपने बाद में नाउन लेता है प्लूरल। सच के बाद में नाउन कैसी आती है? प्लूरल, ये थोड़ा तुम ध्यान रखो, सच के बाद में नाउन आती है प्लूरल। अगर सिंगुलर आएगी तो फिर आप ए या एन इसमें लगाते हो, अगर प्लूरल नाउन न लगा के सिंगुलर नाउन आ जाती है तो फिर ध्यान रखना इससे पहले ए या एन आएगा, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। ये काम की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। द ऑरी, ऑरी जो होता है ये होता है एक प्रकार से गड़बड़ी, रॉन्ग कह दो, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं है उसको कह दो,
है ना, वैसे तिरछे को भी कहते हैं, गलत को भी बोलते हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो भी कह सकते हो, गड़बड़ी कह सकते हो। तो ये जो गड़बड़ वेस्टर्न विक्षोभ हैं, जो इरेगुलर टाइप के हैं, इरेटिक टाइप के हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ आने चाहिए थे तब नहीं आ रहे, अब जब समय नहीं है इनका तब ये आ रहे हैं, तो ये ओराई हो गया। आर इन पार्ट, वो आंशिक रूप से, इन पार्ट का मतलब आंशिक रूप से, ड्यू टू अ वार्मिंग आर्कटिक, ये किस कारण से है, आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि आर्कटिक जो सागर है वो यहाँ गर्म हो रहा है, ठीक है। दैट कोजेज द पोलर जेट स्ट्रीम्स, और ये आर्कटिक क्या करता है, आर्कटिक के लिए दैट आ रहा है, तो इसकी वर्ब है वो कोजेज है, ये कारण बनता है पोलर जेट स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ये एक ज्योग्राफिकल इवेंट है, वो आप गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा। विच कैरीज मॉइस्चर, जो क्या करती है, जो नमी लेकर आती है ना, ये जो स्ट्रीम है, ये जो हवा है, ये नमी लेकर आती है, टू डेविएट फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ। फिर समझो, ये जो ओराई डब्ल्यू डी है, ये जो इरेगुलर अनियमित गड़बड़ी वाला पश्चिमी विक्षोभ है, वो आंशिक रूप से जिम्मेदार है किसके लिए, वार्मिंग आर्कटिक के लिए। ये क्या करता है, पोलर जेट स्ट्रीम का कारण बनता है, जो क्या करती है, मॉइस्चर लेके आती है। और कारण किसके लिए बनता है, कारण बनता है कि ये जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, ये डेविएट हो जाती हैं। डेविएट का मतलब क्या है वो लिखोगे, डेविएट का मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब होता है डाइग्रेस, ये भटक जाती हैं, ये विचलित हो जाती हैं, ये पथ से भटक जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ, जो इसका नियमित एक रास्ता होता है वहां से भटक जाती हैं, एंड ब्रिंग द डिस्टर्बेंसेज टू नॉर्थ इंडिया, और उत्तरी भारत के अंदर ये विक्षोभ लेकर आती हैं, डिस्टर्बेंसेज लेकर आती हैं, किस दौरान, मानसून के दौरान, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होता है इसका मतलब के दौरान है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगता है, तो ये मानसून नाउन है, ये आपका क्या है, डिटर्मिनर है। बात क्लियर है भाई, तो ये था आपका आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, और इसका जो आपको प्रेसी है वो मिल जाएगा आज वाले का, ठीक है, वो भी आप टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर लीजिएगा। जुड़े रहें, हर एक सेशन को देखते रहें, कोई सेशन बीच में छूट जाता हो उसको छुट्टी वाले दिन, जब ये मैं सेशन अपलोड नहीं करता हूँ, ये वाले द हिंदू वाले, उस समय देख लिया करो। सी यू टुमारो एट 5 PM, टिल देन नमस्कार।